आइसक्रीम हमारी बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुखसाना किचन। कैसे हैं व्यूवर्स आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और ठीक ठाक रखे। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट चिप आइसक्रीम। जी हाँ, तो इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया था और कंडेंस्ड मिल्क मैंने घर में ही तैयार किया है। इसकी रेसिपी मैं आपको किसी दिन आपसे शेयर करूँगी, बहुत आसान सी रेसिपी है। और 1 पैकेट मैंने क्रीम का लिया है। तो सबसे पहले हम क्रीम को थोड़ा सा बीट करते हैं। हल्का सा बीट करना है हमने। इसको हम थोड़ा सा बीट करेंगे। दूध हमने फुल क्रीम दूध लेना है, इसमें हम पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और इसका हमने कंडेंस्ड मिल्क बना लेना है। वैसे तो ये बाज़ार से भी कंडेंस्ड मिल्क मिल जाता है, लेकिन घर में भी बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। सिर्फ 2 चीज़ों से ये आइसक्रीम तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं चॉकलेट ऐड करूंगी। चॉकलेट को हम ग्रेट कर लेंगे। आपके लिए आइसक्रीम बना रही हूं, खाओगी ना? चॉकलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़ा आता है। तो जनाब, हमने चॉकलेट ऐड कर दी है और अब हम इसको टिफिन बॉक्स में डालते हैं। और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे और तकरीबन 5 घंटे के लिए हम इसको फ्रीजर में रखेंगे। तो उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो मिलते हैं 5 घंटे के बाद। तो जनाब, हमारी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, चॉकलेट चिप आइसक्रीम। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनी है, और ये जितनी खूबसूरत बनी है इतनी ही टेस्टी भी है। तो आप ही ज़रूर बनाइए और मज़े लीजिए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ कमेंट से मैं बताइए कि कैसी बनी है। तो मैं आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।